अवंतिका स्टोरीज की ओर से आपके पास अभी एक उलझन में मैं आपको एक एडिनबर्ग की बातें बताना चाह रही हूँ, और वो बात ये है कि यहाँ पे लड़के लड़कियों के भी भेद होते हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल है। हमारे यहाँ जब लड़कियाँ होती हैं, आज भी कहीं कहीं पर जब लड़कियाँ होती हैं तो बेटियों को एक स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, एक अनदेखा अनवांटेड उनके साथ हमेशा चलता है। अगर मायके में नहीं चला तो ससुराल में चलेगा, अगर ससुराल में नहीं चला तो सोसाइटी में चलेगा। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ लोग आपको ऐसी बातें बोलेंगे कि आप हंस देंगे। अगर आप किसी से कहेंगे कि अरे बहुत अच्छा है, आपको दो बेटा है, तो शायद वो आपका मुंह नोच ले, क्योंकि एडिनबर्ग हमेशा से लड़कियों वाला रहा है। यहाँ दो लड़कियाँ होना अच्छा माना जाता है बनिस्बत की दो लड़के, और ये लोग बहुत खुश होते हैं जब इन्हें लड़कियाँ होती हैं, क्योंकि एडिनबर्ग में लड़कियों को बहुत विटेज है। लड़कियाँ अपनी माँ को बहुत करती हैं और पेरेंट्स को करती हैं, और यहाँ पे वही अपने घर को संभाल लेती हैं, जबकि लड़के थोड़े से स्टबर्न होते हैं, थोड़े बाहर रहते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड होती हैं, उनके पास अपने 10 मिसाइल होते हैं और वो उसी मिसाइलों में कुथे रहते हैं। मैं जब अपनी बहन से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि अरे तुम लोग इंडिया में परेशान होते हो कि लड़की हो गई, यहाँ तो जितनी लड़कियाँ हो जाए लोग खुश होते हैं, यहाँ तो जिनको लड़के होंगे और आप बधाई दोगे तो शायद वो बोलें कुछ ना, क्योंकि यहाँ पर एक कट सी है, एक अंडरकरेंट उनके अंदर चलता रहता है कि इन्हें ये सज्जन है, इन्हें कुछ ना बोलो, मगर अंदर ही अंदर वो कुड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ लड़के ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते हैं। एक बात और है, यहाँ ऐसे ये कोई रूल्स नहीं है, यहाँ कोई वैसा ट्रेडिशन नहीं है, बट एक बिना बोला हुआ एक कंडीशन है कि अगर दो बेटे हैं तो उसमें से, क्योंकि जैसे मुझे दो बेटे हैं तो एक बेटा बिना शादी किए रह जाएगा, एक ही शादी करेगा। और ये हमने जब यहाँ हम घूमने लगते हैं तो मैं देखती हूँ कि अक्सर सारे लोगों के घरों में ऐसा ही दिखता है, एक बेटा शादीशुदा है और एक बेटा शादी नहीं करता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ लोग मानते हैं कि पेरेंट्स की देखभाल के लिए हमारा एक बेटे को बिना शादीशुदा होना बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स भी डिस्करेज करते हैं कि क्या है शादी में, ठीक है ऐसे ही रहो। और आप एक चीज़ देखेंगे कि वो जो दूसरा वाला बेटा है, या तो वो बड़ा बेटा है या छोटा बेटा है, वो लिव इन में भी नहीं जाता है, वो गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाता है, वो अपनी दुनिया में रहता है और अपने पेरेंट्स की दुनिया में रहता है। ये एक कल्चर है यहाँ पे, ये एक समझ है जो बच्चों के अंदर अपने आप आ जाता है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं होता, यहाँ लोग प्रॉपर्टी के लिए मारामारी नहीं करते, उन्हें उनके माँ बाप की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और वो उसे माँ बाप का प्रॉपर्टी समझते हैं, अपना नहीं समझते हैं। तो ये एक दो चीज़ जो है जो एडिनबर्ग को बाकी जगहों से, इंग्लैंड के बाकी जगहों से इसे अलग करता है, और ये एक बड़ा अजीब सा जो थॉट है, ये बड़ा अजीब सा है, तो मैं इसे शेयर करना चाह रही थी। छोटे छोटे इसमें शेयर करूँगी क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए आपको इस अवंतिका स्टोरीज़ में जो अलोन हो गया है, जो अकेला हो गया है, उसे आपको आप तक पहुंचाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू।